अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक आपके लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ए टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज द टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के जितने भी टाइप हैं उसमें से एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक रिलेशन बनाता है किसके किसके बीच में, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बीच में, ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट आउट ऑफ विच इंटरेस्ट विल बी पेड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जो हमारा प्रॉफिट है उससे हम जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो प्रॉफिट कितना कवर करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को कितना कवर करता है, कितना मेंटेन करता है प्रॉफिट से, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के द्वारा पता लगाया जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात कही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इसमें हम यूज करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ये कैसे आएगा, तो जब हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ये तीनों को प्लस करेंगे देन वी हैव प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स अगर डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है तो तीन आइटम को अगर ऐड करेंगे तो उससे हमको मिलेगा। वो तीन आइटम कौन है, पहला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहला हुआ, दूसरा हुआ टैक्स और तीसरा क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये तीन आइटम को ऐड करने से आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर होता है, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट होता है। ये जो हमने यहाँ पर बात कही है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट ये क्या हो सकता है, ये
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो सकता है, ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन हो सकता है, ये टर्म लोन हो सकता है, ये इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट अगर वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो आपको जानना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या क्या प्लस करते हैं तो आता है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या क्या ऐड करने से आता है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म में कौन कौन से टर्म्स आते हैं। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं उसका उद्देश्य क्या है। दिस रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट आउट ऑफ विच इंटरेस्ट विल बी पेड। उद्देश्य ये है कि हम लोग पता लगाते हैं कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है और जो हमारा इंटरेस्ट जो कब है उसको ये प्रॉफिट कितना हद तक कवर करता है, कितना हद तक मैनेज करता है। हम आउट ऑफ प्रॉफिट से कवर करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कितना प्रॉफिट के द्वारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट को कवर किया जा सकता है। ये हम इसमें पता लगाते हैं कि कितने प्रॉफिट से कितना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट को कवर किया जा सकता है। अ हाई रेशियो इज कंसिडर बेटर फॉर द लेंडर। लेंडर के लिए अगर ये हाई रेशियो आता है तो वो लेंडर के लिए बेस्ट है, एज इट मीन्स हायर सेफ्टी मार्जिन। अगर हाई रेशियो होगा तो लेंडर के लिए जो सेफ्टी मार्जिन होगा वो क्या होगा, हाई होगा। एग्जाम्पल नंबर वन, एक्स लिमिटेड हैज 8% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख। ये जो डिबेंचर से पहले 8% होता है उसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एंड द 5 लाख इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। 8% डिबेंचर, दैट मीन्स द 8% इज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज ₹5 लाख। इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹2 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹2 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब भी कोई भी चीज कैलकुलेट करना है तो पहले उसका एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल में आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन आई यूज अ फार्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फार्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब हमको देखना है कि हमको क्या चाहिए और यहाँ दिया हुआ क्या है। हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर दिया हुआ है टू लैक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट ये दिया हुआ नहीं है। जैसा कि आपने हमसे पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 8%, सो वी विल राइट 8% ऑफ 5 लाख्स, 8% ऑफ 5 लाख्स, 8/100 5 लाख, कैलकुलेशन करने से कितना आ गया 40,000। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट भी है। देन वी विल राइट हेंस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट उसकी वैल्यू दी हुई है क्या 2 लाख्स, और नीचे क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया, हाउ मच अमाउंट 40,000, 4040 कैंसिल, 4 5 जा 5 टाइम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आंसर है वो आपको टाइम्स में लिखना है, तो कितना आया 5 टाइम्स। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज 10% डिबेंचर ऑफ ₹7 लाख, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म क्या कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ 7 लाख। अभी हमने आपको एक सॉल्व करके बताया, इट्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 1,68,000, हमको चाहिए बिफोर और क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इफ टैक्स रेट इज 40%, हमको चाहिए बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और यहां पर क्वेश्चन में आफ्टर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म वो आपका यहां पर दिया हुआ है 10% ऑफ 7 लाख, एक में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज रुपीज एक्स, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा एक्स है, तो टैक्स हमारा क्या दिया हुआ है 40% ऑफ एक्स, टैक्स क्या होगा 40% ऑफ एक्स, दैट मीन्स टैक्स हमारा हो गया 0.4x। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम क्या माने हैं एक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दिया हुआ है 1,68,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,68,000 और टैक्स हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 0.4x, एक्स को एक्स के तरफ ले गए तो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 1x में 0.4x माइनस करेंगे तो 0.6x आ गया, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन इधर आएगा तो डिवाइड 0.6, ये पॉइंट को हटा दिए, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद एक डिजिट था 10, 6 से इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया 28,000, यहाँ 10 है तो x का वैल्यू हो गया 2,80,000, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 2,80,000। हमको क्या चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है हाउ मच परसेंट 10% और डिबेंचर का वैल्यू क्या है 7 लाख, देन 10% ऑफ 7 लाख 10/100 into 7 लाख दैट मीन्स रुपीज
70,000. Rupees 70,000 is the interest on long-term debt. So, profit before interest and tax is kya ho jayega? Profit before tax plus interest. Profit before tax plus interest on long-term debt. So, the amount is rupees 3,50,000. Hence, interest coverage ratio equal to profit before interest and tax. The amount is 3,50,000. 3,50,000. And interest on long-term debt is rupees 70,000. So here 4040 cancel, 75 ja 35. So answer is 5 times. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आंसर आप लिखोगे वो कैसे लिखना है? टाइम से लिखना है. तो आज का मेरा टॉपिक था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ में हमने आपको 2 एग्जाम्पल बना करके दिखाया कि कैसे आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे. वीडियो को देखते रहिए. फर्दर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होती है. हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.